महाराणा प्रताप की खंडित मूर्ति को काले कपड़े से ढकने पर गरमाया माहौल। पुलिस और परिसर प्रशासन ने संभाली स्थिति। काले की जगह सफेद कपड़े से ढकी गई मूर्ति। शहर के मेवाड़ी गेट के बाहर सर्किल पर लगी महाराणा प्रताप की खंडित मूर्ति को काले कपड़े से ढकने पर विवाद खड़ा हो गया। विरोध बढ़ने की आशंका को देख सिटी पुलिस व नगर परिषद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर मूर्ति से काला कपड़ा हटवाकर सफेद कपड़े से ढका, तब जाकर माहौल शांत हुआ। क्षेत्रवासी युवा अर्जुन राठौर व क्षेत्रवासियों ने पुलिस व परिषद प्रशासन के समक्ष विरोध जताते हुए महाराणा प्रताप की खंडित मूर्ति की जगह नई मूर्ति लगाने की मांग की है। महाराणा प्रताप की मूर्ति काफ़ी समय से खंडित हो गई थी। लोगों द्वारा नई मूर्ति लगवाने की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब तक नई मूर्ति नहीं लगवाई गई है, ना ही इस मूर्ति को दुरुस्त कराया गया है, जिससे क्षेत्रवासी व हिंदू संगठनों में भारी रोष है। मामला बढ़ते देख SDO पीयूष समरिया, पुलिस उपाध्यक्ष CM सोडा ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्रवासियों को नई मूर्ति लगाने का आश्वासन दिया। परिषद आयुक्त दिनेश रॉय भी मौके पर पहुंचे। क्षेत्रवासियों ने आयुक्त व क्षेत्रीय पार्षद मोती सिंह साकला का घेराव करते हुए महाराणा प्रताप की नई मूर्ति लगाने की मांग की। आयुक्त दिनेश रॉय ने क्षेत्रवासियों को महाराणा प्रताप की मूर्ति शीघ्र लगाने का आश्वासन दिया, तब जाकर माहौल शांत हुआ। जय महाराणा प्रताप की। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी मेरे साथ भाई लोग खड़े हैं, मेरे लोहार समाज के हैं, बाकी अन्य संगठन के दल के यहाँ पर सभी भाई खड़े हैं, वो इसलिए नहीं खड़े हैं क्योंकि यहाँ पे कोई मूर्ति लगाई गई। ये खंडित मूर्ति जो कि यहाँ पर उस समय लगाई गई जब यहाँ की स्थापना की गई और प्रशासन के द्वारा ये झूठा आश्वासन दिया गया था यहाँ के लोगों को कि अभी तो उसको लगाने दो, जब समय आएगा तो समय रहता है इसको परिवर्तित कर दिया जाएगा, लेकिन ये जैसे कि तैसे ही है। और आप देख सकते हैं इस मूर्ति का कलर भी खराब हो चुका है, इसलिए इस मूर्ति को हमको पता नहीं कि किसने काला कपड़ा ढका और ना हमको उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिसने भी करा मेरी नजर में तो वो काम बढ़िया ही करा। और अगर प्रशासन कह रहा है कि सफेद कपड़ा ढको तो हमने आप लोगों के समक्ष ये सफेद कपड़ा ढक दिया है और ये सफेद कपड़ा जब तक नहीं हटेगा जब तक नहीं सफेद कपड़ा बांधने के लिए कौन सा प्रशासन किसने कहा? पुलिस प्रशासन ने बोला है, नगर परिषद के अधिकारियों ने यहाँ पर आके बोला है कि सफेद कपड़ा आप बांधिए, काला कपड़ा हटाइए। और अगर उनको इतनी चिंता है कि भाई महाराणा प्रताप के किसने काला कपड़ा बांधा, हमने तो बांधा नहीं, लेकिन उनके कहने से हमने सफेद कपड़ा। आप लोग क्या चाहते हो? हम लोग ये चाहते हैं कि महाराणा प्रताप को पहले तो मटकी पे से हटाया जाए। वो कोई सैनिक नहीं थे, वो राजा थे जो कि घोड़े पे बैठते थे और चेतक के ऊपर। तो मूर्ति की जब आज के एक साल पहले सभापति महोदय जी को, SDM साहब को, सभी को हमने ज्ञापन दिया था, 200-300 व्यक्ति यहाँ से पैदल चलकर गए थे बिना खाए पिए भूखे प्यासे, शाम तक उन्होंने हमारे को इंतजार करवाया था। उसके तत्पश्चात भी आज तक मूर्तियां तो लगी है, ना कोई आश्वासन हुआ है, खाली एक लाइट लगा दी है जो कि सभी चौराहे पे लगी है। तो ये लाइट बैठा दो यहाँ से और ये सर्किल को भी हटा दो, हमें कोई जरूरत नहीं है। लगाओ तो महाराणा प्रताप की मूर्ति घोड़े पे लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। कल मुझे ऑफिस में मिल जाए 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे आप लोग मुझसे मिल लें, एक बार देख लेता हूँ फाइल पे पुराना JC प्रस्ताव क्या है और कहाँ मूर्ति का निर्माण हो रहा है। पॉजिटिवली हम करेंगे, हमें भी चाहिए शहर का सौंदर्यकरण हो, अच्छा हो, अगर टूटी हुई मूर्ति है तो वो वास्तव में करवा देंगे। आपने पिछले कई वर्षों से मेरे ध्यान में है कि फरवरी में जो JC हुई थी उसमें इस तरह का प्रस्ताव ले लिया गया है यहाँ पर घोड़े वाली अच्छी मूर्ति लगाने का।